भाई चूतिया बना रखा है एजेंटों ने, एक बहुत बड़ा चूतिया बना रखा है इस चीज को लेके। धमकियां भी आएंगी, मेरे को भी आएंगी, काफी सारे फोन आएंगे, मैसेज आएंगे कि बहन चोद ऐसे क्यों बोल रहा है, ये है वो है। काफी एजेंटों के कमेंट आएंगे, मैसेज आएंगे कि क्या बदतमीजी लगा रखी है, क्या बना रहा है वीडियो। हम करवा के देंगे हंगरी एंट्री, करवा के देंगे ये, करवा के देंगे बकचोदी कर रखी है, बहन चोद मजाक बना रखा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैनी व्लॉग्स। नया दिन, नई शुरुआत, निकल गए काम की। और जैसे मैं मोस्टली शूट करता हूँ जब काम पे जा रहा होता हूँ, टाइम मिल जाता है तो शूट कर लेते हैं। तो भाई आज की वीडियो बहुत सही होने वाली है। यूक्रेन टू यूरोप का क्या ये धंधा चल रहा है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है, क्या इस चीज़ में क्या फ़ायदे हैं, क्या ड्रॉबैक्स है, इस वीडियो को पूरा देखना, हर चीज़ समझाएंगे। क्या एजेंटों ने बैंड का धंधा बना रखा है वो भी बताएंगे। लोग मेरे को भी बोलते हैं भाई तू भी तो एजेंट है, तू भी काम कराता है। भाई हम एजेंट नहीं है पहली बात तो, दूसरी बात को ये लोग बोलते हैं कि हेल्प कर दो भाई, ये काम करो, वो काम करो, तो जो उसका होता है, जो एक पर्टिकुलर चार्ज होता है चीज़ का, वो करवा के दे देते हैं। ठीक है, फालतू की चीज़ नहीं करते अपन। रही बात कि एजेंटों ने क्या धंधा बना रखा है, तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखना, एंड तक देखना। और अगर अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब तो कर लो, अच्छी लगे ना लगे फिर भी कर देना बाकी शेयर कर देना। अगर ज़्यादा अच्छी लगेगी, आपको लगेगा किसी और की हेल्प हो सकती है तो शेयर कर देना। बाकी इस वीडियो के बाद मेरे आने वाले काफ़ी सारे मैसेज, कमेंट आने वाले हैं, जान पहचान वालों के भी आने वाले, काफ़ी आने वाले कि बहन जो क्यों धंधा खराब करवा रहा है, ये है वो है। बट मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता, कान मरा है, मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ और बनाऊँगा, ऐसे शाइन करते रहेंगे अपन। तो ठीक है, इंट्रो को एंजॉय करो एंड पूरी वीडियो को देखना। बाकी स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूँगा, इस वीडियो पे भी जितने ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं करना, क्योंकि इसके बाद Q&A वाली वीडियो आएगी, है ना। तो इस वीडियो को डालने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो शूट करूँगा वो Q&A की वाली शूट करूँगा। तो जितने कमेंट्स होंगे पुरानी वीडियोस के, इस वीडियोस के, वो जो जो उसमें मेन लगेंगे मेरे को, जिनका आंसर देना चाहिए उनके आंसर देंगे, Q&A रखेंगे एक। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो इसके नीचे, ठीक है। एंड तो वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो भाई आजकल जो चल रहा है, आजकल चल रहा है इंडिया से लोग यूक्रेन जा रहे हैं, यूक्रेन से शेंगेन एंट्री कर ले रहे हैं वाया डिफरेंट बॉर्डर्स, जो भी बॉर्डर्स खुले हुए हैं उनसे एंट्री कर ले रहे हैं, यूरोपा जा रहे हैं। चलो ठीक है भाई, मान लिया सबका भला हो रहा है जो जा रहे हैं, ठीक है भाई, है ना, वे तो सही नहीं है बट ठीक है, काम चल रहा है लोगों का, लोगों को शेंगेन मिल जा रहा है बहुत ईजीली और सही रेट में। बट इसके बीच में जो दिक्कत हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि एजेंट करवा रहे हैं डील ऐसे कि 8 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, हंगरी तक का कर देंगे, ये कर देंगे भाई। लेकिन हंगरी में कोई सेटिंग थोड़ी है, हंगरी की एंट्री के लिए किसी को देना थोड़ी है। अगर कोई कर रहा है कि ठीक है भाई हम यूक्रेन भेज रहे हैं, ठीक है, और यूक्रेन से आगे आप अपने आप जाओ, ठीक है, वो बात ठीक है, मानते हैं, क्योंकि हंगरी के बॉर्डर्स तो ओपन है सबके लिए। जो यूक्रेन में जो भी बंदा है, जो भी सिटीजन है, किसी भी कंट्री का नेशनलिटी कोई भी हो, मैटर नहीं करता पत्ते, तो उसके लिए बॉर्डर्स ओपन है, कोई भी जा सकता है, उसका कोई चार्ज थोड़ी है। अब कोई, अब जो धंधा क्या चल रहा है कि हमारी बॉर्डर पे सेटिंग है, हमारी ये सेटिंग है, हमारी फलाना ढिकाना बकचोदी के फॉर्म भरते रहते हैं हर कोई, भाई घंटे भर की सेटिंग नहीं है किसी की भी, किसी की भी सेटिंग नहीं है कोई बॉर्डर पे। अगर कोई ये कह रहा है ना तुम्हें कि 8 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, चलो वो रिस्क ले लेते हैं, रीच वाला कोई बात नहीं। बट कोई कह रहा है इतने पैसे दे दो हमारी सेटिंग है, ये भाई तो कोई सेटिंग नहीं है, चलो जो पहुँच रहा है भाई इतना पैसे देगी वो, चलो सबके अपने घर घर की बात है, जो दे सकता दे रहा है जो, लेकिन जो बच्चे ऐसे जाना चाह रहे हैं, हर किसी पे भी इतना पैसा नहीं है तभी जा रहा है बंदा, तो ये 8-8, 10-10 लाख रुपए अमाउंट देना कोई तुक नहीं है। चार्ज करना यूक्रेन तक का करो, यूक्रेन भेज रहा है जैसे, अगर आपको कोई तो यूक्रेन तक का करे तो ठीक है, उसके बाद आप आगे निकल जाओ अपने आप, गाइड कर दे बस आपको वो कि ऐसे जा सकते हैं वैसे जा सकते हैं, तो ये है कि गाइड कर देगा तो ठीक है, वरना बंदा अपने आप निकल जाए, यूट्यूब पर देख ले कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे चल रहा है, है ना। और बाकी इसके साथ साथ में एक चीज़ ये भी ध्यान रखो कि भाई अगर तुम किसी में स्टडी वीज़े के लिए जा रहे हो तो इनविटेशन ढंग के कॉलेज का होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि पोल्टावा वोल्टावा टेढ़ी मेढ़ी यूनिवर्सिटीज़ के तुम इनविटेशन निकलवा लो फिर आपको आगे दिक्कत आए। वीज़ा तो चलो निकलवा लेते हैं सेटिंग शूटिंग से कैसे ना कैसे, ये ना हो आगे दिक्कत आए, है ना, आगे एंट्री में कोई दिक्कत ना आए, मॉल्डोवा जब आप जाओगे उसमें दिक्कत ना आए, क्योंकि जो रूट से जैसे जा रहे हैं ये लोग एक दो कंट्री होते हुए, तो किसी कंट्री में दिक्कत ना आए इनविटेशन को लेके, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी ना हो और यूक्रेन बॉर्डर पे दिक्कत ना आए, इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखना है। तो ये दो चार चीज़ें हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो भाई पहली तो इसमें ना फंसो, जो इतनी इतनी पेमेंट मांग रहे हैं बंदे वो बहुत गलत है। इसके साथ साथ ये भी चीज़ कन्फर्म कर लेते हैं भाई, देखो जिसकी ज़्यादा बड़ी एज है
30 32 34 साल का है, अगर वो कर भी रहा है अप्लाई किसी के भी थ्रू कर रहा है एक्स वाई जेड, तो स्टडी वीज़े में ना घुसे, क्योंकि एक एज के बाद स्टडी वीज़ा एक्सेप्ट नहीं होता है। टाइम ख़राब होगा, पैसा ख़राब होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार आप किसी एजेंट के पास पैसा फंसा लोगे तो वो फिर आपका काम ही कराता रहेगा आगे आगे करके, पेमेंट तो वापस आ नहीं से रही। तो ये काफ़ी बच्चों का सीन होता है, फंस जाता है पैसा, है ना। मेरा कहने का यही है, जो 27-28 साल से छोटा है सिर्फ वही स्टडी वीज़ा में डील करो, मतलब स्टडी वीज़ा के लिए जाने का ट्राई करो, सारी एज वाले मत जाने का ट्राई करो। बाकी ऑप्शन है C01 बिजनेस वीज़ा है, वर्क परमिट है। और वर्क परमिट में मुझे पता है पैसा क्यों नहीं लगाना चाह रहे बंदे, क्योंकि सबके मन में यही कि आगे निकलना है ना। तो वर्क परमिट पे जाके क्या करना है इतना पैसा लगा के। तो जैसे कि मैंने बोला कि वर्क परमिट पे पैसा इसलिए लगाना चाह रहे कि लोगों के मन में सब में यही कि वर्क परमिट पे इतना ज़्यादा पैसा लगता है एक्चुअली, तो लगाएंगे वहाँ से तो आगे ही जाना है। बट भाई एक वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर हम बात करें कि अगर बाई चांस बॉर्डर बंद हो गए एक टाइम पे, है ना, तो स्टडी वीज़े वाला बंदा क्या करेगा। चलो काम अलाउ नहीं है पर सारे करते हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है स्टडी वीज़े पे भी। बट एक वर्क परमिट वाला बंदा वहाँ पे प्रॉपर सेटलमेंट कर सकता है, अपना बिजनेस खोल सकता है, अगर बॉर्डर बंद भी हो गया तो अपना वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है, वो अच्छी कमा सकता है, अर्निंग कर सकता है, गाड़ी गुड़ी डाल के अपनी टैक्सी वैक्सी की जॉब कर सकता है। तो कहीं फ़ायदे हैं कहीं नुकसान है, बट मेरा यही है अभी जो चलो जो जा रहे हैं तो जाते रहो भाई, जब तक खुला है भगवान का हाथ है निकली जा रहा है। लेकिन आई ऑलवेज प्रे फॉर यूक्रेन की भाई, वॉर तो चलो हो रहा है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा लग रहा है ये कि हम आगे निकल जा रहे हैं, यूक्रेन से आगे निकल जा रहे हैं, ये है वो है फलाना ठिकाना। बट लेकिन उनसे पूछो जो जिनकी वो जो अपनी फैमिलीज को दाव पे लग रखी है, जिनकी बेचारों की जिनकी वाइफ किसी और कंट्री में बेचारी काम कर रही है और पति वहाँ लड़ रहे हैं, बच्चे इधर उधर हैं। तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि ये चलता रहे, जल्दी से बंद हो जाए वॉर। काफ़ी बच्चों के मन में लालच है कि वॉर बंद हो गया तो हम वहाँ से आगे ट्रैवल कैसे करेंगे, है ना। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन किसी की जान पे बात आके लोग अपना भला सोचे वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो भाई ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही थी कि थोड़ा सा एजेंटों से बचो, अगर जो जा भी रहे हो ठीक है, तो 8-8, 10-10 लाख रुपए देके किसी चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो आगे से आगे लोगों को पता लगे। 3-3.5 लाख रुपये देके अगर तुम जा रहे हो चलो किसी चीज़ के लिए यूक्रेन तक का दे रहे हो, कोई बंदा इतना चार्ज कर रहा है तो ठीक है मैक्स इतना ठीक है, बट ये नहीं कि 8-10 लाख रुपए देके। और सीधी बात, इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि हंगरी में किसी कोई सेटिंग नहीं है भाई, एक हंगरी बॉर्डर ही खुला हुआ है इस टाइम पे, ज़हूनी बॉर्डर वो एरिया खुला हुआ है, उधर से आप जा सकते हो, एक पर्टिकुलर बॉर्डर अलॉट करा है गवर्नमेंट ने कि वहाँ से जा सकते हो। तो कुछ भी नहीं है भाई ऐसा कि किसी की कोई सेटिंग है, तो ये किसी को 7-8 लाख रुपये मत दो कि एक सेटिंग के चक्कर में कि सेटिंग है करके, ठीक है रोड क्रॉस कर ले और ठोक देगा कोई। तो यही है छोटी सी वीडियो इस चक्कर में कि भाई किसी को मत इतना पैसा वेस्ट करना। अब इस वीडियो के बाद मेरे को काफ़ी कमेंट आने वाले हैं, काफ़ी मैसेज आने वाले हैं कि ऐसी वीडियो क्यों बनाई, इसी क्यों बता रहे हो, बट ज़रूरी है आप लोगों के लिए एंड किसी का भला हो जाए तो उस पर अपना कुछ नहीं ज़्यादा अपन करते रहते हैं इतनी सी बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार दिखाओ, शेयर करो, बाकी नई नई वीडियो तो भी आती रहेगी पॉर्चुगल को लेके, पॉर्चुगल की इन्फॉर्मेशन को लेके, ठीक है। बाकी कोई यहाँ पहुँचता है तो मिलते हैं ज़रूर आप लोगों से, कोई इशू नहीं है। एंड जॉब्स के रिलेटेड लेके भी वीडियोस बनाते रहूँगा, जैसे जॉब्स के अपडेट यहाँ बढ़ते रहेंगे उसको लेके भी वीडियोस आगे आगे आती रहेगी। ध्यान रखें अपना, अपनी फैमिली का, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये सब्सक्राइब बटन में जाकर ठोक दो से साढ़ा बन के। लव यू ऑल, ध्यान रखें अपना, बाय बाय।